फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक ऐसा कौन से मंत्र का उच्चारण करें ताकि उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी न रहे, आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। यदि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन के अंदर यदि उन्हें कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई परेशानी हो रही है, उन्हें धन संपत्ति से रिलेटिव यदि कोई परेशानी हो रही है, व्यवसाय से संबंधित उन्हें कोई परेशानी हो रही है, या फिर नौकरी से रिलेटिव उन्हें कोई परेशानी हो रही है, या फिर संतान पक्ष से उन्हें कोई परेशानी हो रही है, यानी कि संतान सुख नहीं है और संतान है तो वह अच्छी नहीं है, उन्हें गलत शौक लग गए हैं, इस तरीके से संतान पक्ष से कोई सी भी उन्हें परेशानी हो रही है जीवन में, उन्हें के जीवन के अंतर्गत प्यार में विवाह से रिलेटिव उन्हें कोई परेशानी हो रही है, यानी कि जिस इंसान को वे चाहते हैं उनके जीवन में वह उनको नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके विवाह में देरी हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो वह कौन से अचूक मंत्र का उच्चारण करे ताकि उच्चारण मात्र से ही उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से उन्हें निजात मिले, आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों क्या है वह अचूक मंत्र। वह अचूक मंत्र है दोस्तों ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इसे हम चंद्रदेव का बीज मंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए आपको बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि कर्क राशि का राशि स्वामी होता है वह चंद्र देवता होते हैं। यदि वे चंद्र देवता की बीज मंत्रों का उच्चारण डेली 108 बार करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उन्हें के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और यदि आ भी रही है तो उनसे वह निजात अवश्य पाएंगे यदि वह रोज डेली इन मंत्रों का उच्चारण 108 बार करेंगे। रोज इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। आप किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है या फिर इवनिंग में करना है या फिर मंदिर जाकर करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी व्यवस्थित स्थान पर बैठकर ध्यान की पोजीशन में बैठकर जिस तरीके से हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस अवस्था में बैठकर आपको बिल्कुल पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप रोज 108 बार इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है जिसके उच्चारण करने में आपको 10 से 15 मिनट का से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन इनकी मंत्रों की पावर बहुत अधिक है। आप माला कोई सी भी ले सकते हैं दोस्तों, इसके लिए भी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आप तुलसी की माला ले लिए, रुद्राक्ष की माला ले लिए, आपकी सुविधा के अनुसार आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो माला ले लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देंगे, रोज आप 108 बार कर देंगे और जब इनकी संख्या 11,000 हो जाएगी तो ये सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। हर मंत्र के सिद्ध होने का टाइम पीरियड होता है दोस्तों। इसी तरीके से ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है जिसका सिद्ध होने का टाइम 11,000 बार है, यानी कि जब इन मंत्रों की संख्या 11,000 हो जाएगी, यानी कि डेली आप 108 बार करेंगे, जब इनका आप 3 से 4 महीने या 5 महीने तक इनका जाप कर लेंगे, यदि बीच में छूट भी जाता है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप जब इनकी संख्या 11,000 बार हो जाएगी तब आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। फिर क्या होएगा कि आपके ग्रह स्वामी जो होंगे वो आपके फेवर में हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए वह बाध्य हो जाएंगे दोस्तों, जब आप इन मंत्रों को सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद आप इन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ वीक में आप एक बार यानी कि सोमवार के दिन आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भी आपके लिए काफी रहेगा। फिर डेली आपको इन मंत्रों का उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। ये एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, लेकिन इस जीवन में सभी जातकों को कोई ना कोई परेशानी अवश्य रहती है। उसके लिए हमें कर्म करना जरूरी होता है दोस्तों। बिना कर्म करे हम फल की इच्छा रखते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आए, ये परेशानी आ भी रही तो इससे निजात मिल जाए। उस निजात को पाने के लिए यानी कि उस समस्या से निकलने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। या तो आप दान करिए या फिर रत्न पहनिए या फिर इन बीज मंत्रों का उच्चारण करिए। दान और रत्न के लिए हम कुंडली विवेचन की आवश्यकता अवश्य होती है दोस्तों। बिना कुंडली विवेचन के हम दान और रत्न नहीं, ना तो दान कर सकते हैं ना ही रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता वश करा हुआ दान भी आपके लिए
नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में ला सकता है, क्योंकि दान हमेशा क्या होता है, हम मारक ग्रहों का ही दान करना चाहिए दोस्तों। कारक ग्रहों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। मारक ग्रह से मतलब है हमारे नेगेटिव ग्रह, जो हमारे कुंडली के अंदर नेगेटिव रिजल्ट हमको दे रहे हैं, उन्हीं का हमें हमेशा दान करना चाहिए। इसी तरीके से रत्न जो है हमेशा कारक ग्रहों का पहनना चाहिए दोस्तों। कारक ग्रह से मतलब है हमारे जो कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट जो हमें दे रहे हैं दोस्तों, उनका ही हमें सिर्फ रत्न पहनना चाहिए। कभी भी आप मारक ग्रहों का रत्न भूल से भी ना पहने, क्योंकि बिना अज्ञानतावश रत्न धारण कर लिया आपने तो आपके नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में आने लग जाएंगे। इसलिए दान और रत्न तो हमेशा हम कुंडली विवेचन से ही पहचान सकते हैं कि कौन सा दान हमें करना चाहिए और कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए। लेकिन यह मंत्र एक ऐसा अचूक मंत्र है दोस्तों जो आप बिना कुंडली विवेचन के भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका रिजल्ट नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। आपके कुंडली में या ग्रह यदि मारक हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कारक हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि आपके चंद्रदेव की दशा चल रही है दोस्तों, आपके चंद्रदेव की दशा चल रही है और वह कारक है आपके लिए, तो भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उनकी डिग्री कम है, डिग्री का मतलब हम कह सकते हैं कि उनके अंदर पावर नहीं है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की, तो हम इन बीज मंत्रों के द्वारा उन ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं, उनकी पावर इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आ सके दोस्तों। इसलिए यदि आपके चंद्र की दशा चल रही है, वह मारक है, तो भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, और वह कारक है, उनकी डिग्री कम है, तो भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा वह और कौन कौन से जातक है जो इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जिनकी लग्न राशि में कर्क राशि यानी कि ल लिखा हुआ है और नंबर 4 लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों, इन राशियों की संख्या फिक्स रहती है दोस्तों, इन्हें नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके ल लिखा है और वहां पे 1 नंबर लिखा है तो वे हमेशा मेष राशि से रहेगी। इसी तरीके से आपकी जन्म पत्रिका में ल लिखा है वहां पर और वहां पर 4 नंबर लिखा है तो वे कर्क राशि है, यानी कि जिनका लग्न का स्वामी कर्क राशि है वह भी ये मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। और जिनके इष्ट देवता भी कर्क राशि यानी कि जिनके कुंडली में 5वें घर में 4 नंबर लिखा है, वह भी जातक इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। कई बार मेरे पर कमेंट्स आते हैं, मैं उनको बीज मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहती हूँ, तो कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम ये तो शनिदेव का बीज मंत्र है, आप हमें ये बीज मंत्र उच्चारण करने के लिए क्यों कह रही। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि केवल कर्क राशि वाले जातक ही इन बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, उसके अलावा जिनकी लग्न राशि भी कर्क राशि है, जिनके इष्ट देवता भी कर्क राशि वाले हैं और जिनके चंद्र की दशा चल रही है वह मारक स्थिति में, वह भी इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और वह कारक है लेकिन उनकी डिग्री कम है यानी कि वह पॉजिटिव रिजल्ट देने के बाध्य नहीं है, मतलब उनके पॉजिटिव रिजल्ट देने के अनुकूल नहीं है वह आपके, तो भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम बिना कुंडली विवेचन के इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज ऐसी है जिनके लिए आप कुंडली विवेचन अवश्य करें, मेरी राय मानते हैं आप, तो कभी भी भूल से भी दान और रत्न बिना कुंडली विवेचन के न करें आप दोस्तों। लेकिन आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण आज से शुरू कर देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे दोस्तों कि हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाएंगे दोस्तों। इसके हम साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो ओम का उच्चारण आप डेली 108 बार करेंगे तो क्या होगा, आपका ध्यान लगेगा, आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा, आपका जो ऑरा होता है दोस्तों वह पॉजिटिव होएगा और स्ट्रांग होएगा। ऑरा से मतलब होता है दोस्तों कि हमारे सुरक्षा कवच, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे बॉडी का एक सुरक्षा कवच होता है, जिसे आप यदि मजबूत कर लेंगे तो कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं, यदि वे आ भी रही है तो उनसे आपको निजात अवश्य मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप मेरा कहना माने तो आज से ही आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव शुरू हो जाता है दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो किस तरीके से लगा प्लीज आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए, और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।